गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक महिला ने साबरमती नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले उसने अपना एक वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में महिला हंसते हुए कह रही है कि जितनी भी जिंदगी मिली सुकून है, अब वो खुदा से मिलना चाहती है। घटना के बाद मौके पर पहुंची रिवर फ्रंट पुलिस ने उसकी लाश निकाली और मामला दर्ज करके आगे जांच शुरू की। वहीं आपको बता दें कि खुदकुशी करने वाली इस महिला का नाम आयशा है, जो कि शादीशुदा थी। जिंदगी खत्म करने से पहले आयशा ने एक इमोशनल वीडियो भी बनाया। वीडियो में आयशा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हेलो, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड यार, कब तक लड़ेंगे अपनों से, कैश विड्रॉल कर दो, नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी, प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कई कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाल ले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ। बस काफ़ी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। अब इस मामले में आयशा के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पति आरिफ को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है, उसे अहमदाबाद लाया जाएगा। अब आयशा के परिवार वाले आरिफ के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गुजरात पुलिस ने आयशा की मौत के बाद इस मामले में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।